Today, we are going to discuss the lesson, 10th lesson of the class 5th. And the name of the lesson is 10th and 100th. 10th and 100th. What it means exactly? What is the meaning of 10th? What is the meaning of 100th? So, first we go to the meaning of 1 tenth. द मीनिंग ऑफ वन टेंथ हाउ कैन यू राइट वन टेंथ वी कैन राइट वन टेंथ एज वन बाई टैन एंड वी रीड इट एज वन टेंथ वॉट इट मीन्स एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड द गिवन थिंग्स और एटम्स इन टेन इक्वल पार्ट एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू टेक वन पार्ट और वन पार्ट हैज टू बी टेकन मतलब हमें जो भी चीज़ दी गई जाती है उसको दस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और दस में से एक पार्ट जब हम लेते हैं तब हम उसको वन टेंथ कहते हैं बच्चों उसके बाद है वन हंड्रेड या हंड्रेड वट इज द मीनिंग ऑफ हंड्रेड हंड्रेड मीन्स वी हैव टू डिवाइड द गिवन थिंग्स और एटम्स इंटू हंड्रेड इक्वल पार्ट्स एंड आउट ऑफ दैट वी हैव टू टेक वन पार्ट हमें क्या करना है बच्चों हमें एक पार्ट लेना है एक पार्ट का उसमें से हंड्रेड पार्ट्स में डिवाइड करना है ठीक है और हंड्रेड पार्ट्स को डिवाइड करके उसमें से एक पार्ट हंड्रेड एक पार्ट लिया उसको हंड्रेड पार्ट में डिवाइड किया उसमें से जब हम एक पार्ट लेते हैं तब हम बच्चों उसको हंड्रेड कहते हैं तो ये जगह आप जैसे मैंने कहा मैं सेवंथ कहा तो जो गिवन हमें चीज़ मिलेगी उसको सेवन्थ इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और उसमें से एक लो तो वो हो जाएगा सेवन्थ बट हम बाकी का यहाँ पर पढ़ाई नहीं करेंगे वो टेंथ और हंड्रेड के बारे में ही पढ़ेंगे उसमें पहला क्वेश्चन हमारा है राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन द फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन हमें यहाँ पे दो चीज़ें सीखने है बच्चों एक तो फ्रैक्शन जो आपको आता ही है और दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को ही डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है ना लुक टू द गिवन फिगर दिस अ नॉर्मल सर्कल दिस सर्कल आई हैव ट्राइंग ट्राइड टू डिवाइड इट इन टेन इक्वल पार्ट्स मैंने ऐसी कोशिश की है कि ये एक सर्कल और ये इसके दस इक्वल पार्ट है थोड़ा कम ज़्यादा है लेकिन अब समझ लेंगे इज अंडरस्टूड दैट दिज आर टेन इक्वल पार्ट्स तीन में से दस में से कितने को कलर किया है बच्चों दस में से हमने तीन को कलर किया है वन टू एंड थ्री हाउ कैन वी राइट इट फ्रैक्शन वी राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इज थ्री बाय टेन हाउ कैन वी राइट इट इज इन डेसिमल फ्रैक्शन इन डेसिमल फ्रैक्शन वी राइट इट एज जीरो पॉइंट थ्री इसको ऐसे पढ़ना है जीरो पॉइंट थ्री ओके वॉट अबाउट द अनशेडेड पार्ट्स आउट ऑफ टेन पार्ट्स थ्री पार्ट्स आर शेडेड इट मीन्स दैट वन पार्ट इज अनशेडेड बच्चों दस पार्ट हैं उसमें से तीन शेडेड हैं तो सिंपल है कि सात अनशेडेड हैं सो फ्रैक्शन फॉर द अनशेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू सेवन बाय टेन इज इक्वल टू सेवन बाय टेन And in decimal fraction, we have to write it as 0 0.7. Now we come to the next figure. If you observe it carefully, there are total 10 parts. There are total 10 parts, and out of, out of that 10 parts, we have colored or shade only 4 parts. So, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इज एक टू फोर बाय टेन एंड डेसिमल फ्रैक्शन इज जीरो पॉइंट फोर बच्चों टोटल दस पार्ट हैं दस में से चार को हमने कलर किया है इसका मतलब है दस में से चार डिनिनेटर में याद रखना टोटल पार्ट्स आते हैं और न्यूमोनेटर में हमें जो चाहिए मतलब अगर हम शेडेड पार्ट्स चाहते हैं तो शेडेड पार्ट्स लिखेंगे जैसे कि हमें यहाँ अनशेडेड पार्ट्स चाहिए तो हम अनशेडेड लिखेंगे जो पार्ट हम चाहते हैं या तो शेडेड या तो अनशेडेड हमें न्यूमरेटर में लिखना होता है लेकिन हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आते हैं सो अनशेडेड पार्ट इज इक्वल टू सिक्स बाय टेन इसका मतलब है दस में से छः पार्ट अनशेडेड है इन डेसिमल फ्रैक्शन वी कैन राइट इट एज जीरो पॉइंट सिक्स डेसीमल फ्रैक्शन में हमें ऐसा लिखना होता है कम टू द नेक्स्ट फिगर इफ़ यू ऑब्जर केयरफुल यू फाइंड दैट देर इज वन रेक्टेंगल इज देयर एंड वी डिवाइड दिस रेक्टेंगल इन टू टेन इक्वल पार्ट्स ओके आउट ऑफ दैट टेन इक्वल पार्ट्स फाइव पार्ट्स आर कलर्ड एंड पार्ट आर अनकलर्ड और अनशेडेड बच्चों टोटल दस पार्ट हैं दस में से हमने पाँच को कलर किया है पाँच को कलर नहीं किया है तो फ्रैक्शन क्या होगा शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन है फाइव बाई टेन बिकॉज टेन टोटल पार्ट्स हैं एंड फाइव शेडेड है एंड डेसिमल फ्रैक्शन आएगा बच्चों जीरो पॉइंट फाइव सेम वे अनशेडेड पार्ट इज इक्वल टू फाइव बाय टेन यहाँ बच्चों शेडेड भी फाइव है अनशेडेड भी फाइव है तो वो भी आ जाता है फाइव बाय टेन और उसका भी डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है फाइव बाय टेन बच्चों अभी तक जो हमने एग्ज़ाम्पल देखे वो टेंथ वाले थे अभी हम जो एग्ज़ाम्पल देखेंगे वो हंड्रेड वाला है आप देखिए बच्चों ये जो फिगर है ये टोटल जो स्क्वेयर्स हैं छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन ये टोटल हंड्रेड हैं अब हंड्रेड में से कितने कलर किए हैं कितने शेड किए हैं काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो टोटल फोर्टीन पार्ट्स आर शेडेड सो इट्स फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट इज फोर्टीन बाय हंड्रेड डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल पार्ट लिखते हैं यह हमें वी वॉन्ट यर शेडेड पार्ट हमें यहाँ शेडेड पार्ट्स चाहिए उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसका डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा जीरो पॉइंट फोर्टीन सेम वे अनशेडेड पार्ट कितने होंगे टोटल तो हंड्रेड थे हंड्रेड माइनस फोर्टीन तो हो गया एट्टी सिक्स तो एटी सिक्स पार्ट अनशेडेड है टोटल पार्ट हंड्रेड है तो उसका जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो हो जाता है पॉइंट एट्टी सिक्स बच्चों इसको अच्छे से समझ लीजिएगा बार बार सुनिएगा और आप इसको प्रैक्टिस करिएगा